हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो, यदि आप कक्षा 10 या कक्षा 12 के छात्र हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों को, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई? प्रश्न आपके 15 होंगे, परंतु मैं आपको व्याख्या के दौरान 15 प्रश्न से अनेक प्रश्न बनाने का प्रयास करूंगा। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। तो यह जो है पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई थी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यह द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई थी। और जब द्विवेदी युग में यह प्रकाशित हुई तो उस समय इसका संपादक कौन था, या इस पत्रिका के संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास जी थे। कभी कभी आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास जी थे। और सरस्वती पत्रिका के दूसरे संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बने, और किस सन में बने? सन 1903 ईस्वी में बने। कब? सन 1903 ईस्वी से सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संभाला। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। यहाँ पर प्रश्न आया है, किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में एक एक नंबर के आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जय शंकर प्रसाद। हिंदी के प्रमुख नाटककार कौन हैं? जय शंकर प्रसाद जी हैं। और जय शंकर प्रसाद जी की प्रमुख नाटक है ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त स्कंद गुप्त। अगला जो है प्रश्न आया हुआ है कि जय शंकर प्रसाद के किसी एक नाटक का नाम लिखिए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जय शंकर प्रसाद जी का प्रमुख नाटक है, और स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि भी जय शंकर प्रसाद जी की ही नाटक हैं। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किसी एक कहानीकार का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जो कि हिंदी के प्रमुख कहानीकार हैं, मुंशी प्रेमचंद। और कभी कभी प्रश्न आता है कि मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी का नाम लिखिए। तो इनकी प्रसिद्ध कहानी का नाम क्या है? पंच परमेश्वर है। क्या है? पंच परमेश्वर नाम है मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी का। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हिंदी के किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। हिंदी के किसी एक संस्मरण लेखक का नाम क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा। क्या हो जाएगा? इसका उत्तर महादेवी वर्मा हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखिका हैं, महादेवी वर्मा जी। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा जी की संस्मरण विधा पर आधारित रचना है। और अगला प्रश्न है, ठलुहा क्लब के लेखक कौन हैं? ठलुहा क्लब के लेखक कौन हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठलुहा क्लब के लेखक बाबू गुलाब राय जी हैं। कौन हैं? बाबू गुलाब राय जी हैं। और यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में भी आ चुका है, ठलुहा क्लब के रचनाकार कौन है या लेखक कौन है। अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए। हिंदी की किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए। एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा। उत्तर क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा हिंदी की प्रमुख महिला कहानीकार हैं, महादेवी वर्मा। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वट वृक्ष के रचयिता का नामोल्लेख कीजिए, यानी वट वृक्ष किसकी रचना है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वट वृक्ष किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। किसकी रचना है वट वृक्ष? रामधारी सिंह दिनकर जी की
रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है वट वृक्ष। अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नीड का निर्माण फिर किस गद्य विधा पर आधारित है और यह जो रचना है हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है और यह किस विधा पर आधारित रचना है, आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है और आत्मकथा में कौन सी विधा काव्य पर आधारित है, किस विधा पर आत्मकथा में काव्य पर आधारित यह रचना है और मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, कई बार पूछी गई है बोर्ड परीक्षा में कि हरिवंश राय बच्चन की जो रचना है नीड का निर्माण फिर यह किस विधा पर आधारित रचना है, तो उत्तर हो जाएगा आत्मकथा काव्य विधा पर आधारित रचना है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पथ के साथी किस विधा की रचना है, तो यह रचना किस विधा की है, संस्मरण विधा की रचना है पथ के साथी और यह रचना महादेवी वर्मा जी की रचना है, किसकी रचना है, महादेवी वर्मा जी की रचना है पथ के साथी। अगला प्रश्न है, चंद्रकांता किसकी रचना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चंद्रकांता किसकी रचना है, देवकी नंदन खत्री जी की, किसकी रचना है, देवकी नंदन खत्री जी की रचना है और यह प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा में आ चुका है कई बार कि चंद्रकांता के लेखक कौन है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, देवकी नंदन खत्री। अगला प्रश्न है, सेवा सदन किसकी रचना है, तो सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है और यह मुंशी प्रेमचंद जी का प्रमुख उपन्यास है और इनके अन्य उपन्यास हैं मुंशी प्रेमचंद जी के सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि आदि। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, रसिक प्रिया के रचयिता कौन है, रसिक प्रिया के रचयिता आचार्य केशवदास जी हैं, कौन है, आचार्य केशवदास जी हैं रसिक प्रिया रचना के रचयिता, रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्र का आचार्य केशवदास जी की रचनाएं हैं। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, करुणालय किसकी रचना है, तो करुणालय जय शंकर प्रसाद जी की रचना है और जय शंकर प्रसाद जी को छायावाद युग का प्रवर्तक कहा जाता है या छायावाद युग के प्रमुख कवियों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न है, हुंकार किसकी रचना है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि हुंकार किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर, हुंकार किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है और बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, आपकी बोर्ड परीक्षा जो 2021 में होगी उस परीक्षा के लिए यह रचना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप याद कर लेंगे, हुंकार रामधारी सिंह दिनकर। तो आपने देखा 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों को, तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अपनी मेहनत के साथ तैयारी करते रहिए बोर्ड परीक्षा 2021 की। और यदि आप कक्षा 10 और कक्षा 12 के महत्वपूर्ण जीवन परिचय या महत्वपूर्ण व्याख्याएं देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर जाएं और महत्वपूर्ण व्याख्याएं, और मैंने आपको वहां पर बोर्ड परीक्षा में कैसे कॉपी लिखें यह भी बताया है और कैसे प्रश्नों के उत्तर लिखने का तरीका क्या है, आसान से भी आसान, यह भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आप वीडियो जरूर देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर के, और मेहनत के साथ पढ़ते रहना है, मस्त रहना है, दूसरों को भी खुश रखना है। जय हिंद।